डीएम साहब से मिले थे, जो आटा मिले हैं यहाँ पे और राइस मिले हैं, उनके ऊपर 2.5% मंडी शुल्क लिया जा रहा है। तो केंद्र सरकार की जो नीति है कि एक राष्ट्र एक कर, उसके ये विरुद्ध है। जब सब जगह एक कर प्रणाली है, 5% टैक्स लगाया गया आटे पे, तो 2.5% अलग से स्टेट गवर्नमेंट द्वारा लिया जाना ये उद्योगों के ऊपर कुठाराघात है और एक राष्ट्र एक कर की नीति के ये विपरीत है। तो इसके लिए हमने डीएम साहब को पत्र दिया है कि मुख्यमंत्री को और प्रधानमंत्री को भेज के ये मंडी शुल्क को हटवाया जाए। और पूरे देश में ये लगता नहीं, सिर्फ 4 राज्यों में मंडी शुल्क लिया जाता है, बाकी कहीं भी नहीं लिया जाता है। इसलिए इसको हटाया जाना, पड़ोसी राज्यों में भी, ये बिहार वगैरह में नहीं लगता है। अभी आप लघु उद्योग के काफ़ी लोग मिले थे आते हैं और उन्होंने कई आशंकाएं जताई GST को लेकर, उसमें खासकर आटे वाली जो बात आप कह रहे हैं वो सही है, उसी को लेकर उनकी कुछ चिंताएँ थी, उसमें खुले आटे, पैक्ड आटे और किस पे कितना परसेंटेज लगेगा। तो आपको ज्ञात होगा कि अभी कुछ दिन पहले ही अपने जनपद में एक वर्कशॉप भी हुई थी GST को लेकर व्यापार कर की तरफ से, जिसमें लखनऊ से भी लोग आए थे। हम लोग प्रयास यह कर रहे हैं कि चूंकि नया विषय है और नई चीज़ें हैं, इसमें जितना अधिक से अधिक वर्कशॉप हो सके, जागरूकता हो सके। आप देख रहे हैं कि लखनऊ के स्तर पर भी काफ़ी जानकारियाँ वहाँ भी वर्कशॉप हो रही हैं। हम लोग शीघ्र ही एक बड़ा वर्कशॉप उसमें करेंगे, जिसमें जितने प्रश्न हैं, चाहे लघु उद्योग हों, मध्यम उद्योग हों या बृहद उद्योग हों, सबको उसमें हम लोग कंसिडर करने का प्रयास करेंगे। राज्यों में नहीं लग रहा, उनका ये ग्रीवांसेस था, उन्होंने ज्ञापन भी दिया माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए, तो उस ज्ञापन को भी हम लोग भेज रहे हैं और जब वर्कशॉप होगी तो उसमें होलिस्टिक रूप में इन सब चीज़ों पर चर्चा होगी।